गाइस, ये जो सिचुएशन है ये सबसे ज़्यादा तब आता है जब आप एक बजट कैटेगरी का बिल्ड बना रहे हो। आपका सीपीयू यहाँ पे 2933 मेगाहर्ट्ज रैम को सपोर्ट करता है और आपका मदरबोर्ड भी यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है। तो ऐसे में आपको कौन सा रैम लेना चाहिए जो आपका सिस्टम को सबसे अच्छा बूस्ट करे, अच्छा परफॉर्मेंस निकल के दे और आपका जो पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम इन डिप चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका मन में जो दुविधा था, जो डाउट था, वो सारे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा और आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि कैसे चीजें काम करता है। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको इसी तरीके का गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने में मजा आता है तो चैनल को डेफिनेटली अभी सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख रहे हो लूप होल टेक यानी टेक की अंदर की बात। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको तीन कंडीशन के एग्जांपल देना चाहूँगा, इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कैसे चीज़ काम करता है, कैसे चीज़ नहीं काम करता, और इसके बाद आप इन सभी चीज़ों को कभी भी भूलोगे नहीं। आपके पास एक मदरबोर्ड है जिस पे 2600 मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है, उसके साथ आपके पास एक सीपीयू है जहाँ पे 2933 मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है और आप इस बिल में 3200 मेगाहर्ट्ज रैम को लगाना चाहते हो, तो अभी आपके पास 5 सेकंड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही जवाब है सी। मदरबोर्ड यहाँ पे रैम को फोर्स करेगा मदरबोर्ड की मैक्सिमम स्पीड को ऑपरेट करने के लिए, व्हिच इज 2600 मेगाहर्ट्ज। आपके पास एक मदरबोर्ड है जिसपे 32 मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है, उसके साथ आपके पास एक सीपीयू है जिसपे 2933 मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है और आप इस बिल्ड में 3600 मेगाहर्ट्ज का क्रेजी रैम को लगाना चाहते हो, तो अभी फिर से आपके पास 5 सेकंड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी। मदरबोर्ड यहाँ पे रैम को फोर्सफुली डाउन क्लॉक करेगा सीपीयू की मैक्सिमम स्पीड पे रन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू बॉटलनेक करेगा। आपके पास मदरबोर्ड है, सीपीयू है और दोनों ही 3200 मेगाहर्ट्ज रैम को सपोर्ट करता है और आप अपने सिस्टम के अंदर तीन रैम स्टिक लगाना चाहते हो, एक है 3200 मेगाहर्ट्ज का, एक है 3000 मेगाहर्ट्ज का और एक है 2600 मेगाहर्ट्ज का, तो अभी आपके पास 5 सेकंड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही जवाब है सिस्टम रन एट 2600 मेगाहर्ट्ज स्पीड, बिकॉज यहाँ पे जो बाकी का दोनों हायर फ्रीक्वेंसी वाला रैम है वो खुद को डाउन क्लॉक कर लेगा, क्योंकि उनमें से जो सबसे कमजोर रैम है 2600 मेगाहर्ट्ज का वो खुद को उतना स्पीड पे रन नहीं कर पाएगा। और अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे ओवरक्लॉक कर लिया जाए कम फ्रीक्वेंसी वाला रैम को, तो यहाँ पे सारे रैम ओवरक्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक रैम स्लॉट को ओवरक्लॉक नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, आपका सिस्टम यहाँ पे बूट अप ही ना हो। वैसे तो ये सब चीज ओल्ड मदरबोर्ड पे होता था, आजकल का जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है यहाँ पे रैम खुद को डाउन क्लॉक कर लेता है और सिस्टम यहाँ पे रन करने लग जाता है, तो इसका चांस काफी कम है। तो अभी आप यहाँ पे एक बेटर कंक्लूशन निकल पाओगे। कंक्लूशन नंबर 1, मदरबोर्ड यहाँ पे रैम को डाउन क्लॉक कर लेता है सीपीयू का मैक्सिमम स्पीड तक। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने की बात है, अगर आपका मदरबोर्ड लो फ्रीक्वेंसी स्पीड का है और आपका सीपीयू जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्पीड का है, तो यहाँ पे रैम मदरबोर्ड की मैक्सिमम स्पीड पे रन करेगा, ना कि सीपीयू का मैक्सिमम स्पीड पे, क्योंकि मदरबोर्ड खुद ही यहाँ पे इतना कैपेबल नहीं है कि वो सीपीयू का फ्रीक्वेंसी को अचीव करे। कंक्लूशन नंबर 2, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल रैम्स लगा रहे हो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी का रैम है सिस्टम उसी पे रन करेगा और बाकी का जो रैम है उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पीड है वो खुद को डाउन क्लॉक कर लेगा। तो अगर आप एक राइजन 3 3200G के साथ कोई भी A320 और B450 का बोर्ड यूज कर रहे हो जहां पे आपका मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है 3200 मेगाहर्ट्ज का और यहां पे आपका सीपीयू जो है वो सपोर्ट करता है 2933 मेगाहर्ट्ज का, तो यहां पे आपको 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम लगाना चाहिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको ओवरक्लॉक करे 3200 मेगाहर्ट्ज तक, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका सीपीयू तो यहाँ पे 2933 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे रेडियन वेगा जो ग्राफिक्स मिलता है आपका सीपीयू के अंदर इनबिल्ड, वो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रैम को सपोर्ट करता है, मतलब प्रेफर करता है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रैम रहेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप 3000 मेगाहर्ट्ज का रैम को चाहते हो तो उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अगर हो सकता है यहाँ पे बूस्ट हो जाए। सो आई होप आपको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज मिला, आपको समझ में आया कैसे चीज़ें काम करता है, कैसे चीज़ें नहीं काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और लाइक करो वीडियो को। अगर आप
आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपके साथ एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज टिमी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड आई होप टू सी माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।